वेलकम बैक एन एफ ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम आपको लेकर आए इंदौर के सिल्वर मॉल में। अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो इंदौर ही नहीं बाकी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मॉल है, जहां पर आपको इलेक्ट्रॉनिक की सभी चीज़ें मिल जाती है। और ऐसे में हम आपको सिल्वर मॉल की सबसे बेस्ट शॉप दिखा रहे हैं संजरी, जहाँ पर आपको लैपटॉप की फुल रेंज मिल जाती है। अगर आपके बजट में आपको मार्केट में लैपटॉप नहीं मिल रहा है तो एक बार आप संजरी पर जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए, आपके अनुसार कस्टमाइज भी हो जाएगा और आपके यूज़ के लिए और बजट के अनुसार जो सबसे बेस्ट होता है वो आपको यहाँ प्रोवाइड करवाया जाएगा। और सबसे मेन बात ये होती है कि इनके व्हाट्सअप नंबर जो दिए गए हैं, इसमें अगर आप चाहें तो व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जिससे अगर आप यहाँ इनसे लेकर बिजनेस करना चाहें, सस्ते लैपटॉप सेल करना चाहें तो भी कर पाएंगे। तो इतनी सारी आपको सुविधा के साथ में आज का वीडियो हम प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहे हैं। निवेदन रहेगा अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक बार शॉप पर जरूर विजिट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, आई एम सोनू, संजीरी आईटी सॉल्यूशन। नए वीडियो में आपका स्वागत है। काफ़ी दिन हो गए मैंने नया वीडियो सेंड नहीं किया आपको लैपटॉप वगैरह का, क्योंकि आप अभी नया मटेरियल आया है अपने पास, तो नया वीडियो आपके लिए सेंड कर रहा हूँ। अभी मेरे पास जैसे मैंने 5000 वाले पहले वीडियो में लैपटॉप सेल किए थे, अब वो नहीं है। अभी आप लोगों का अधिकतर का फ़ोन आ रहा है कि मेरे को भैया 5000-6000 में लैपटॉप चाहिए, तो बहुत सारी इंक्वायरी आ रही है, वो मटेरियल सेल आउट हो गया है। तो अपने जो नया मटेरियल आया है थोड़ा बजट ऊपर है लेकिन अच्छी चीज़ है, ठीक है। अब जैसे अपन जाते हैं, ये डेल का लैपटॉप है, ठीक है, ये डेल का लैपटॉप आप देख ही रहे कंडीशन वगैरह, ये सब कम रेट वाले बता रहा हूँ और इससे ऊपर वाले भी है अभी अपने पास। ये i3 लैपटॉप है, ठीक है, ये देखिए इसकी 4GB रैम है, 500GB हार्ड डिस्क है, i3 सेकंड जनरेशन। मात्र आपको कितने में मिल रहा है? ये 10000 रुपये में। ये नया लेने जाएंगे i3 में जनरेशन प्लस हो जाएगी, जैसे अभी आपकी आएगी 11 या 12 जनरेशन, वो 41 या 42000 के समथिंग, मतलब 41 से 42000 में पड़ेंगे, ठीक है। ये मात्र आपको 10000 रुपये में। अब इससे और थोड़ा ऊपर जाते हैं अपन, ये मैंने कम है और भी लैपटॉप अभी आते हैं i3 थर्ड जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन था, ये i3 थर्ड जनरेशन। इसकी 4GB रैम है और 500GB हार्ड डिस्क है, ये मात्र आपको कितने में मिल रहा है? 500 रुपये ऊपर, 10500 में, ठीक है। उसके बाद आते हैं अपन लेनोवो का मॉडल है, एकदम कंडीशन फ्रेश है। ये आएगा आपको डुअल कोर, नॉर्मल डुअल कोर नहीं है, जैसे अपन सोचते डुअल कोर हो गया तो नॉर्मल डुअल कोर, ये जनरेशन वाला डुअल कोर है। इसमें आपको मिल रही है 4GB रैम मिल रही है और 128GB SSD। SSD का मतलब आप समझते होंगे फास्ट वर्किंग काम करने का, जो काम हार्ड डिस्क अपनी 10 मिनट में करती है, इसका काम होगा समथिंग 3 से 4 मिनट में वो काम कर देगी, तो इसको बोलते हैं हार्ड डिस्क। इसमें 120GB SSD है प्लस 500GB हार्ड डिस्क है और डुअल कोर 4 जनरेशन है। ये मात्र आपको मिल रहा है समथिंग 11500 में। उसके बाद बोल मैकबुक, किसको लगता है मैकबुक कम रेट में रेट आता है, 40000 50000 60000 1,00,000 रुपए के मैकबुक आते हैं। यह हमारे पास मैकबुक है, देख सकते हो आप कंडीशन, ये डुअल कोर है मैकबुक, कोर टू ड्यू डुअल कोर आता है। इसकी रैम आती है 4GB रैम आती है और 320GB हार्ड डिस्क आती है। ये मात्र आपको मिल रहा है 12000 रुपये में। ये कोटी मार्केट में अभी डुअल कोर रही है, अब लेने जाओगे तो आपको i5 या i7 मिलेंगे, वो समथिंग मान के चलो M1 M2 चिपसेट में आएंगे, 1,00,000 1,50,000 ऐसे लैपटॉप आते हैं मैकबुक के, आपको ये सब में कम रेट में मिल रहा है मात्र 12000 रुपये में। कॉन्फ़िगरेशन है कोटीडियो है, 4GB रैम है और 320GB हार्ड डिस्क है, एकदम कम रेट में, और ये कम रेट में एकदम फ्रेश पीस है। हमारे पास वो चीज़ नहीं रहती कि रिपेट सपेट खुले पुले पीस देते हैं कि इंसान एक बार लेगा दोबारा उस चीज़ के लिए परेशान हो, हम वो चीज़ बिल्कुल नहीं बेचते, कस्टमर को मना कर देते। अच्छा, यहाँ था i7 सेकंड जनरेशन, 4GB रैम है, 500GB हार्ड डिस्क है, ये देखिए 4GB रैम 500GB हार्ड डिस्क, ये आपको मात्र पड़ रहा है समथिंग 12500 में। i7 सेकंड जनरेशन, 4GB रैम 500GB हार्ड डिस्क। अगर इनकी कंडीशन की बात करें चलाने में तो कैसे चलेगा? कंडीशन तो सर एकदम मक्खन है, ऐसा नहीं है कि कम रेट के चक्कर में कुछ तो भी लैपटॉप मिल रहा है आपको। मैंने वो पहली चीज वही बोली आपको, मेरे वहाँ काउंटर पर आइए, कोई सा भी लैपटॉप लो आपको एकदम फ्रेश कंडीशन, कोई सा भी लैपटॉप ले होंगे एकदम फ्रेश कंडीशन आएगी। उसके बाद जाते HCL का आ गया, ये i5 है, 4GB रैम है, 700GB हार्ड डिस्क है और 1GB ग्राफिक कार्ड है प्लस, ये मात्र आपको 12500 में, ये हो गया है। फिर आपने आता है इम्पोर्ट लैपटॉप, ये देखो कंडीशन आप, ठीक है, ये कम बजट वाले लैपटॉप देखिए, i3 4th जनरेशन, 4GB रैम,
500 GB हार्ड डिस्क मात्र 13,500 में, i3 4th generation 4 GB RAM 500 GB हार्ड डिस्क प्लस 15.5 इंच LED है। उसके बाद आते हैं डेल का, डेल का कंज्यूमर मॉडल 15.5 इंच। ये लैपटॉप है अपनों को AMD E2 7th generation। इसका 4 GB RAM है, 120 GB SSD है प्लस 500 GB हार्ड डिस्क है। मात्र ये अपनों को पड़ रहा है 12,500 रुपये में। फिर आते हैं थोड़ा, अब लोगों को लगता है कि नॉर्मल गेम खेल ले, एडिटिंग कर ले, प्रोग्रामिंग कर ले, ग्राफिक वाला लैपटॉप। ये आ रहा है अपनों को i3 4th generation लैपटॉप ग्राफिक वाला, जिसकी 4 GB RAM है, 128 GB SSD है प्लस 500 GB हार्ड डिस्क है और 2 GB ग्राफिक कार्ड है। इसमें SSD भी है, हार्ड डिस्क भी है और ग्राफिक कार्ड है। ये जैसे बच्चे अपने पेरेंट्स वगैरह को जीत करते हैं कि कम रेट में अच्छा लैपटॉप चाहिए, गेमिंग चाहिए, गेमिंग चाहिए, और गेमिंग लैपटॉप ये मान के चलिए 60-65 हज़ार के 1-1 लाख रुपये के आते हैं, तो पेरेंट्स पैसे की प्रॉब्लम के कारण बच्चों को नहीं दिला पाते। तो ये चीज़ देख सकते हो आप, i3 4th generation 4 GB RAM प्लस 120 GB SSD 500 GB हार्ड डिस्क प्लस 2 GB ग्राफिक कार्ड, मात्र आपको मिल रहा है ये समथिंग 12,500 में। उसके बाद जाते हैं HP का, पूरा वॉलपेपर लगा हुआ है कि थोड़ा लुकिंग वाइज दिखे। ये है अपना मात 4 GB RAM है, 500 GB हार्ड डिस्क है, i3 2nd generation है। ये मात्र आपको पड़ रहा है 10,500 में, 10,500 में। और मैंने पहले भी वीडियो में बोल रखा है, कोई भी मेरा वीडियो देखकर आएगा, बोलेगा भैया मैं वीडियो देखकर आया हूँ, आपका ये मटेरियल चाहिए करे, तो उसको 500 रुपये डिस्काउंट मिलेगा, 500 रुपये उसको ऑफर है। ये कम रेट वाले लैपटॉप हो गए। अब आपको और इससे ऊपर जाना है, जैसे किसको रिक्वायरमेंट लगती ग्राफिक डिजाइनिंग के पर्पस से, कोडिंग के पर्पस से, प्रोग्रामिंग के पर्पस से, तो वो भी अपने पास लैपटॉप अवेलेबल है। मैं आपको और वो दिखाता हूँ, ये देखिए लेनोवो का i3 10th generation इसकी 8 GB RAM है, 256 GB SSD है प्लस 1 TB हार्ड डिस्क है। ये देखिए i3 10th generation लेटेस्ट जनरेशन लैपटॉप भी अवेलेबल है। उसके बाद चाहिए ये आप लोगों को मात्र पड़ रहा है समथिंग 24,000-24,000 रुपये का, और जो भी कस्टमर आएगा उसको अलग से और कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके बाद आता है i3 11th generation Asus का VivoBook, Asus का गंदे हाथ लग गया इसलिए पूछ रहा हूँ, Asus का VivoBook i3 11th generation देख सकते हो आप। इसकी 4 GB RAM है, 256 GB SSD है, फिंगरप्रिंट सेंसर लॉक भी दे रखा है, विंडो 10 लाइसेंस भी है, लाइसेंस भी विंडो 10। ये मात्र आपको 24,000-24,000 रुपये। उसके बाद आता है फिर i3 10th generation ये i3 10th generation ये 8 GB RAM है इसकी और 256 GB SSD है। कंडीशन आप देख सकते हो, एकदम फ्रेश चीज, गुड कंडीशन i3 10th generation। ये आप लोगों को मात्र कितने में पड़ रहा है, समथिंग 22,500 में। अब आते हैं अपन जैसे बोलते हैं गेमिंग राइजन, तो आपको ही दिखाता हूँ। ये Ryzen 5 लैपटॉप है मेरे पास HP का, अंदर वारंटी अगस्त तक, मतलब 6 महीने की वारंटी बाकी है इसकी। ये है Ryzen 5 5500U, प्रोसेसर है 5500U, इसकी रैम है 8 GB RAM है, 512 GB NVMe SSD है प्लस ग्राफिक वाला लैपटॉप है। ये मात्र 6 महीने वारंटी बाकी है, मतलब 5 से 6 महीने यूज़ हो रखा है। ये लैपटॉप भी आपको मिल जाएगा, ये देखिए कंडीशन कितने तक का मिलेगा। ये मात्र आपको पड़ रहा है 35,000-35,000 रुपये का। नया लेने जाएंगे आपको ये लैपटॉप 55,000 रुपये का है, और लेकिन 55,000 में लेने आते हैं, बॉक्स आता, सब आता, बिल आता, लेकिन 1 साल की वारंटी आती है। अपन इसको साथ बिल वगैरह भी है इसका, ओरिजिनल जो आया है वो बिल भी देंगे, और 6 महीने की वारंटी है मेरी तरफ से नहीं, सर्विस सेंटर की तरफ से वारंटी बाकी है, ऐसा नहीं। और भी आपको लैपटॉप है वो दिखा देते हैं। अब आते हैं अपन मैकबुक में, किसको लगता है कि मैकबुक भी हम करते हैं। ये मैकबुक एयर 2017, ये ईयर से चलता है, जनरेशन से नहीं चलता, ये ईयर से चलता है। मैकबुक एयर 2017 मॉडल i5 है, 8 GB RAM है, 128 GB फ्लैश ड्राइव SSD है। मैकबुक एयर, एक ये पीस हो गया मैक का,
और दिखाता हूँ आपको, ये i5 हो गया, मैं आपको i7 दिखाता हूँ। ये i7, इसको अलग हटा देते, इधर रख देते। ये i7 MacBook Pro है, 15.5 इंच का डिस्प्ले है और i7 है। 16 GB रैम है इसकी और 500 GB SSD है। 16 GB रैम, 500 GB SSD, 2015 ईयर का मॉडल है और i7 है। रेटिना डिस्प्ले इसका, ये देखिए रेटिना डिस्प्ले। यहाँ जगह नहीं है, रखने की दिक्कत आएगी, लैपटॉप वापस रख देता हूँ क्योंकि दूसरे और दिखाना आपको। ये वापिस यहीं जमा रहे हैं क्योंकि स्क्रैच वगैरह नहीं लगे इसलिए। अब आपको इंपोर्ट में लैपटॉप दिखवाता हूँ मैं, क्योंकि इंपोर्ट में लैपटॉप अधिकतर बोलते हैं कि इंपोर्ट वाले लैपटॉप चाहिए भैया, तो इंपोर्ट वाले भी लैपटॉप दिखाते हैं आपको। अब आपने रिपेयरिंग की बात करें तो रिपेयरिंग भी हो जाती है ना, जैसे आप क्या हुआ है कि लैपटॉप है, किसमें 4 GB रैम है, किसमें हार्ड डिस्क है, आप लोगों को चाहिए कि रैम भी बढ़ाना है प्लस 8 GB रैम करवाना है, रैम भी बढ़ जाएगी, SSD बढ़वाना है SSD बढ़ जाएगी, हार्ड डिस्क बढ़वाना है हार्ड डिस्क भी बढ़ जाएगी अपने। और उसके बाद जैसे मैंने आपको बीच में बोला था कि अपने वहाँ लैपटॉप वगैरह की इंजीनियर बड़े अलग सेटअप है, रिपेयरिंग भी होती है अपने वहाँ। जैसे लैपटॉप है LED फूट गया तो LED चेंज हो जाता है, रैम ख़राब हो जाती है तो चेंज होती है, बैटरी ख़राब हो गई तो बैटरी बैकअप नहीं आ रहा तो उसके लिए बैटरी चेंज हो जाती है, वो भी अपने पास काम होता है। किसके लैपटॉप में इशू आ गया, डिस्प्ले नहीं आ रहा है, पावर नहीं आ रहा, वो काम भी होता है अपने वहाँ। उसके बाद डेस्कटॉप आता है, डेस्कटॉप के मदरबोर्ड ख़राब हो गई, LCD ख़राब हो गई, वो काम भी होता है अपने वहाँ। जैसे आजकल स्मार्ट LED चल रही है, 30 इंच, 32 इंच, 42 इंच, 40 इंच TV वगैरह भी आती है, वो काम भी रिपेयरिंग होता है हमारे वहाँ। ये जो सेटअप ये अपना सेलिंग का है, जो एक सेटअप बना रखा अपना बैक साइड पीछे है और ऊपर है गोडाउन में, वहाँ रिपेयरिंग का काम होता अपने वहाँ, तो रिपेयरिंग भी करते हैं। उसके बाद आपको मैं इंपोर्ट लैपटॉप दिख ही रही है सामने। आशा करते हैं आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको लिए हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो आप देखते रहिएगा। हम मिलेंगे आपके साथ हमारे नेक्स्ट वीडियो में।